वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कतक कर्म कमावणे, दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सबे रोग। वे मुख होए राम ते, लगन जन्म विजोग। खिन मह कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। विच न कोई कर सकै, किस थै रोवै रोज। कीता किशु न होवई, लिखिया तुर संजोग। वड भागी मेरा प्रभ मिले, ता उतर है सब बेयोग। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवै साध संग, बिन सह सबे सोच। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवै साध संग, बिन सह सबे सोच। कतक कर्म कमावणे, दोष न काहू जोग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक, गद्दी ते सुभाए मान, ताजां तख्तां दी राजान राज, पानान पान, देवान देव, उपमा महान, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद दे अंदर जुड़ बैठे प्यारे सच्यारे सूझवान सतसंगी जनों, कतक दा महीना जिसका जागमन होया है, धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कतक दे महीने द्वारा जिग्यासु जनां नूं समझाउंदे हन कि इह खट रुत्तां विच इह पाव सरुत तों बाद सरद रुत दा दूसरा महीना कहा जांदा है। पातशाह जी दे पावन वाक हन, रुत सरद अडंबरो असू कतके हर प्यास जियो। सो आओ प्यारे सतसंगी जनो, गुरु पातशाह जी दे इस पावन महीने दी विचार दे नाल जुड़ करके अपना आया होया ये मनुखा जन्म सफला करिए। वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
कत्तक कर्म कमावणे दोस न काहू जोग। गुरु प्यारी, गुरु खालसा साध संगत जीओ, कत्तक दे महीने द्वारा कथन करते हैं पातशाह जी कि जो भी जीव चंगे मन दे कर्मां नू कमावणे कमाउंदे हन उस दा ही फल भोगदे हन। इसलिए काहू किसे दे ताई दोष लाउणा जोग नहीं है। कत्तक कहिए, कत्तक दे महीने दी तरह ये मनुखा शरीर है जो कि कर्मां दे ताई कमावणे कमा रहा है। जिहो जिहे कर्म कमावेगा ना ओहो जिहा फल मिलता है। इसलिए किसे दूसरे सिर दोष लाउणा काहू कहिए किसे तरह भी जोग कहिए चंगा नहीं है। जो जीव आत्मा कर्मां नू कमावणे कमा रहा है शुभ ते अशुभ कर्मां रूपी सूत नू कत्तक कहिए कत रहा है उस अनुसार ही मंदे कर्मां दा फल दुख अते शुभ चंगे कर्मां दा फल सुख प्राप्त हुंदा है। इस दुख दा दोष काहू कहिए किसे दूजे दे सिर लाउणा जोग उचित नहीं है। पातशाह जी पावन राग आसा दे विच फरमाउंदे हन, ददै दोस न देऊ किसै दोस कर्मा आपणिआ जो मैं किया सो मैं पाया दोस न दीजै अवर जना। पातशाह जी होर फरमाउंदे हन कि आप कमाणे विछड़ी दोष न काहू देण। सो ऐसा ही जिक्र आउंदा है पुरातन ग्रंथां दे विच। एक साखी महापुरख पढ़ाया करदे सन कि कौरवां दे पिता धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण नूं पुछिया सी कि मैं अखां तों अन्ना क्यों हाँ, मेरे 100 पुत्र क्यों मरे, क्योंकि मैनू पिछले 100 जन्म दी सोझी है, क्योंकि दुख तां पापां दे कारण मिलदे हन। तां भगवान कृष्ण जी ने उत्तर दिता कि हे राजन, तेरे 107वें जन्म दी बात है, उस समय भी तू राज गद्दी ते बैठा सी, उदों तेरे कोलों 2 वड्डे पाप होए हन। एक तां तू एक टिड्डे दीआं अखां विच सूली मारी ते उसनू अन्ना कर दिता। एक तैनू मांस खाण दा बड़ा चस्का सी, जो शिकारी तैनू हर रोज़ मांस लिया के दिंदा सी ना, एक दिन वर्खा पैण करके वो जा ना सकिया ते तेरे महलां विच हंसां दे 100 बच्चे रहिंदे सन। उसने उन्हां विचों तैनू एक बच्चा मार के मांस तैयार करके दिता। उस मांस विचों तैनू इतना स्वाद आया, तू अपने जीव दे स्वाद नू मुख रखदिआं उसनू हुक्म दिता कि हर रोज़ इन्हां पंछियां दा ही मांस लियाया करो। तू हंसां दे 100 बच्चे अपनी इस जीभा दे चस्के विच खा गया। जदों मानसरोवर तों हंस वापस आए ना तां उन्हां ने अपने बच्चियां नू महलां विच ना पाया ना वेख्या, पर अपने बच्चियां दीआं खिलरियां होईआं हड्डियां वेखियां। उन्हां ने अपने बच्चियां दे विछोड़े अंदर अंतर आत्मी आवाज़ विच सराप दिता कि जिस पाप आत्मा ने अज सानू बच्चियां दे दुख विच तड़फाया है वह कदे इस तरह बच्चियां दे विछोड़े विच तड़फे। सो हे राजन, तेरे दोहां पापां दा फल तेरा अन्ने होण दे रूप विच अते पुत्र वियोग दा कारण तैनू पाप दा फल दुख रूप विच प्राप्त होया है। साध संगत जी फिर कहण लगा कि मैनू इस दा फल पहलां क्यों नहीं मिलिया। भगवान जी ने कहा कि जिवें बल वालिआं पुरशां ने कोई कार्ज करना होवे ना तां उह कमज़ोर नू पिछे धक्क के पहलां अपना कार्ज कर लैंदे हन, परंतु कमज़ोर भी देरी नाल अपना कार्ज कर लैंदे हन। इसे तरह तेरे पुन बल वाले सन
परंतु जदों तू पांडवां नाल धोखा कीता, उन्हां नूं साड़ना चाहिया, बस फिर तेरे पुन नाश हो गए। पिछले कर्मां दा फल 100 पुत्र वियोग रूप विच मिलना शुरू हो गया। पहला पाप भोगण दा समां तेरे पुन्नां दे प्रताप करके प्राप्त नहीं होया। फिर धृतराष्ट्र ने बद्रीनाथ जाके बिदर तों कथा सुननी शुरू कीती अते तप करन लगा। अपने पापां नूं साध संग जी बख्शाउण वास्ते ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਬਾਲਕ ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮ ਹਨ। ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜੁੜੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਸਰਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਵਿਆਪਨ ਕਹੀਏ ਆਣ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮ ਈਸ਼ਰ ਜੋ ਪਰਮ ਵੱਡਾ ਈਸ਼ਰ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਗਣੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵਜੀ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਈਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਲੋਕ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਪਰਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਅਗਿਆਨ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਮਝਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਆਪਨ ਇਹ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰੇ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ ਵਧੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ, ਵਿਆਧੀ, ਉਪਾਧੀ ਰੋਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਭਾਵ ਉਲਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਕਹੀਏ ਵਿਛੋੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਛੋੜਾ ਮਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਰੂਪ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਗੌਣ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹਨ। ਜੋ ਜੀਵ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਰਸਦਾਇਕ ਸਵਾਦ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਿਖੈ ਕੁੜੱਤਣ ਸਗਲ ਮਾਹੇ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਮੀਠਾ ਹਰਕਾ ਨਾਉ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਓ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਹੋਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਲਾਣੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸੂਰ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਖਿੱਧ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਾਂਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟਾ ਡੱਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਸੂਰੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੂ ਕੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ 12 ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ, 12 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਦੇ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਡੱਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੂਨ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਜਿਤਨੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ, ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਜੀਵ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ। ਹੇ ਜੀਵ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਥੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਵੇਂਗਾ, ਰੋਣਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਕਿਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵਈ,
लिखिया तुर संजोग जीव दा अपना कीता किशु ना हो वही कुछ भी नहीं हुंदा ओहो ही हुंदा है जो तुरों ही संजोग लिखिया होवे अर्थात इस करके सिमरन दा वक्त इत्थे ही मनुखा जन्म विच है। पातशाह दा बावन वाक है जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भज ले रे मन सारंग पानी अब न भजस भजस कब भाई आवै अंत न भजया जाई। इउं ही भरथरी जी अपने तिना ग्रंथों विचों एक अपने आखरी ग्रंथ वैराग शतक विच लिखते हैं। भरथरी जी दे तीन ग्रंथ उन्हें लिखे अपनी जिंदगी विच पहला जदों भरथरी जी भर जवानी विच राज भाग विच मस्त सन उन्होंने ग्रंथ लिखिया सी नीति शतक। थोड़ी जी होर उम्र होई भरथरी जी नू काम ने घेर लिया कई राणियां रखियां कई राणियां नाल ब्याह करवाया ते भरथरी जी ने फिर उस ग्रंथ विच जिहड़ा लिखिया वैराग शतक तो बाद पहला ओ ग्रंथ दा नाम सी सब तो पहला नीति शतक। उस तो बाद ग्रंथ लिखिया शिंगार शतक। इस विच भरथरी जी ने औरत दी सुंदरता दे पुल बने औरत दियां वडियाईयां कीतियां कि औरत विच आ गुण हुंदे हन औरत इस प्रकार दी हुंदी है औरत इन्ने लक्षणा वाली हुंदी है कहण तों भाव तीन ग्रंथ लिखे हन। जदों फिर भरथरी जी नूं वैराग होया उन्होंने ये ग्रंथ लिखिया सी वैराग शतक। वह वैराग शतक दियां दो पंक्तियां आप जी नाल सांझियां करदे हन अध्याय बारहवें दे विच हन। वह लिखते हैं जरा उपाओ ना हो सके जरा अवस्था माहे भाव सागर के तरण को तरण अवस्था आहे। परमेशर की प्राप्ति ली जरा अवस्था बुढ़ेपे की अवस्था विच जरा कहिए थोड़ा उपाओ जतन भी नहीं हो सकना भाव संसार समुद्र तो तरण भाव होण पार होण लई एक जवानी की अवस्था है। एक बारी बाबा फरीद जी नूं किसी ने इहो ही पुछिया सी तां उन्होंने भी यही उत्तर दिता सी कि जिन्हां ने काले वाल हुंदियां चेते नहीं ना कीता रब नूं फिर जदों वाल धौले चिट्टे आउणे शुरू हो गए उदों कोई विरले ही हन जिन्हां ने अकाल पुरख नाल प्रेम पा के जीवन सफला कीता है। बाबा फरीद जी फरमाउंदे हन फरीदा काली जिनी ना रावया धौली रावै कोय कर साई स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होए। धन गुरु अमरदास महाराज जी बाबे फरीद जी दे सलोक दा ही विच जवाब दिंदे हन कि नहीं उस परमेशर दे नाल प्रेम उस परमेशर दे रस दा पिरम प्याला जदों कोई किसी नूं मिलदा है ना वो गुरमुख बुढ़े कदे ना ही जिन्हां अंतर सुरत गयान। बाबा धन गुरु अमरदास महाराज फरमाउंदे हन महला तीजा फरीदा काली धौली साहिब सदा है जे को चित करे अपना लाया पिरम न लगई जे लोचै सब कोय एहो पिरम प्याला खसम का जय भावै तै दे। गुरु अमरदास साहिब महाराज जी 72 साल की उम्र विच गुरु अंगद साहब जी की शरण विच आए 12 साल गुरु जी की सेवा करके गुरता गद्दी ते सुशोभित हो के 22 साल गुरता गद्दी ते बिराजे। जदों केस धौले चिट्टे सन तां महान सेवा करके गुरता गद्दी हासिल कीती। इस तरह गुरु रामदास साहिब जी ने काले केसां विच गुरता गद्दी हासिल कीती। भावें काले ते भावें धौले गल तां वाहिगुरू नूं सिमरन दी है उसदी याद दी है। कोई भी चित लावे
केस भावें चिट्टे होण भावें काले, यह प्रेम का प्याला आप नहीं लभदा। भावें यह लोचा इच्छा सारियां दी है, यह प्रेम प्याला खसम दा है, यह मालक दे हाथ विच है। वाहिगुरु शरदा भावना निष्काम कर्मां नूं वेख के यह बख्शिश कर दिंदा है। जीव दा अपना कीता किशू ना हो वही कहीए कुछ भी नहीं हो सकता। महाराज बाणी विच फरमाउंदे हन, इबके राहे जमन नाही पछताणे सिर भारो। जदों जमा ने पकड़ लिया ना उस राह ते तोर लिया तां फिर बहुता पछताउणा करेगा। इहो जिही हालत हो जाएगी, बेकार पाथर गलह बाधे निंद फोट सिराए, महासागर समुंद लंघना पार न परना जाए। जिहड़ा मुढ़ तों वाहिगुरु परमेशर ने संजोग विजोग लिखिया है उसे तरह का वरतारा वरत रहा है। जिवें एक शाहूकार सी जिसने जिंदगी विच बड़ी माया कठी की थी, जदों अंत समा आया ना तां अपने संबंधियों नूं कहण लगा कि इस जगह ते मेरी माया रखी है, इस नूं दान विच ला दिओ। ओ मर गया, पिछों संबंधी मुकर गए, सो यह संजोग ही बनिया। जदों सुवास रहिंदे आप दान नहीं ना कर सकिया तां पिछों किसे ने नहीं करना। हुण चाहुंदा वी सी पर लिखे हुए संजोग करके उस दी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। पातशाह मारू राग विच फरमाउंदे हन, संजोग विजोग करतै लिख पाए, किरत न चलै चलाहा हे। वड भागी मेरा प्रभ मिलै, ता उतरै सब बियोग। जेकर किसे नूं वड भागी वड्डे भागां करके मेरा प्यारा प्रभु परमेशर मिलै कहीए मिल पवे, तां उस दे वियोग विछोड़े आदि दे सारे दुख उतर जांदे हन। नानक कौ प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। सतगुरु पातशाह जी संपूर्णता वालियां इस महीने दियां पंक्तियां विच फरमाउंदे हन कि भाई हे जम्मण मरण दे बंदी खाने विचों मोच कहीए छड़ाउण वाले मेरे साहिब मालक परमेश्वर जी, मैं जन नूं अपनी शरण विच राख रख लेना कर। हे माया माता दे गर्भ रूपी जमा दे जेल खाने विचों मोच कहीए मुक्त कराउण वाले मेरे मालक वाहिगुरु परमेश्वर जी, मेरे ताई मैनू अपनी शरण विच रख के 84 लख जूनां तों बचा लेना करो। इसे प्रकार साध संगत जी, जिमें बाबर ने सारी ऐमनाबाद ते पठान मार मुकाए, जेड़े बाकी बचे बुढ़े इस्त्रियां बचे सन उन्हां नूं कैद करके अगे चक्कियां रख दित्तियां। उस समय उन्हां कैदियां दी हालत वेख के धन गुरु नानक देव महाराज जी ने आसा राग विच शब्द उचारिया। पातशाह फरमाउंदे हन, जिन सिर सोहन पटियां, मांगी पाए संदूर। से सिर काती मुनियन, गल विच आवै धूड़। पातशाह फरमाउंदे हन, जिन्हां दी इस प्रकार दी दिशा सी ओ कैदना हो गईयां, बड़ियां दुख होईयां उन्हां नूं, ऐसियां उन्हां दी दुर्दशा होई वेख के उन्हां नूं छडाउण लई गुरु साहिब जी ने कौतक कीता। जिथे गुरद्वारा रोड़ी साहिब है ना उत्थे बैठियां नूं एक मुगल ने आके कहा कि तुहानूं कैद करना है, इस लई चलो। उस वेले सतगुरां कोल भाई लालो अते एक ब्राह्मण शरण विच बैठा सी। ब्राह्मण दे घर पुत्री दा विआह होया सी, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ 4 ਕੋਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ।
आप शहनशाह उन्हां दी खलासी करवाउण लई कैद हो के मुगलां नाल चल पे। उस वक्त मुगलां ने भाई मरदाने नूं अड़ी वाला घोड़ा फड़ा दिता, एक भार दी पंड भाई बाले दे सिर ते रख दित्ती। जदों गुरु साहिब जी दे सीस उत्ते पंड रखण लगे ना तां सतगुरां दे सीस तों एक गिठ उपर हो गए, एक गिठ उपर वह पंड टेक गई। इहो सतगुरु जी उन्हां मुगलां नाल तुरे जा रहे हन। मुगल पंड देख के हैरान हो गए। रस्ते विच जांदिआं सतगुरु जी ने भाई मरदाने नूं कहा, मरदानिया रबाब वजा। तां मरदाना कहण लगा, महाराज घोड़ा बहुत अड़ियल है, इस नूं दोहां हत्थां नाल फड़िया होया है, जेकर छुट गया तां मुगल मारनगे। सतगुरु जी कहण लगे, बेपरवाह बणदा। भाई मरदाने ने ऐसा ही कीता ते घोड़ा छड़ दिता। चंचल बिरती वाला घोड़ा निश्चे नाल खड़ गया। यह कौतक वेख के मुगल हैरान हो गए। फिर सतगुरां ने यह शब्द अपनी मुबारक रसना तो उचारण किया, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपै दोस न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने, तैं की दर्द न आया। इउं फिर सतगुरु जी ने कैद खाने विच कैदी लोग वेखे। उहनां नूं कैदियां दी कुल 1100 गिणती सी। मुगलां ने सतगुरां अते भाई मरदाने बाले अगे भी एक एक चक्की आटा पीण लई रख दित्ती। इतिहास विच लिखिया है कि जदों सतगुरु जी दाणे पाउण लग पए तां चक्की अपने आप चलण लग पई। सतगुरु जी दाणे पाई जांदे हन अते चक्की अपने आप चली जांदी है। सारे कैदी हैरान हो के सतगुरां दी शरण विच आ गए। सतगुरां ने उहनां नूं उपदेश दिता कि सतनाम वाहिगुरू दा जाप करो, चक्कियां आपे चलण लग पैणगियां। इउं सतगुरां दे बचना सदका चक्कियां आपे ही फिरन लग पईआं अते केवल सतनाम दे जाप दी आवाज़ आ रही सी। उस वक्त मुगलां ने यह खबर बाबल कोल पहुँचाई, माफ़ करना बाबर दे कोल पहुँचाई। बाबर आके गुरु साहिब जी दे चरणा ते डिग्गिया ते कहण लगा कि मैनू मुआफ़ कर दिओ। सतगुरु कहण लगे कि मुआफ़ तां कर देंगे, पर जेड़े पठाणा नूं तूं मार रहे दिता है वह तेरे दुश्मन होणगे, पर इन्हां बुढ़िआं ते इस्त्रियां दा कोई कसूर नहीं। सतगुरु जी ने फरमाया, इन्हां नूं कैद विचों रिहा कर। यह सुन के बाबर ने सारे कैदी रिहा कर दिते। गुरु साहिब जी खुश होए, सारे कैदी गुरु साहिब नानक देव जी महाराज जी दे नाल बाहर आके जय जय कर रहे सन। बाबर ने हाथ जोड़ के बेनती की कि मेरी कुल विचों राज भाग नाश ना होवे, यह कृपा करो। सतगुरु जी कहन लगे कि जितना चिर न्याय करदे रहोगे ऐसा ही होवेगा, जदों अन्याय करोगे तां हे बाबर तेरे नाल कीते हुए बचन नूं असीं अपना सीस दे के वापस लै लवांगे। इस प्रकार उन्हां कैदियां नूं मुक्त कर दिता। इसे तरह छेवें जामे विच ग्वालियर दे किले विचों 52 कैदियां नूं अपना पल्ला फड़ा के कैद विचों छुड़ाया। पातशाह जी फरमाउंदे हन, गई बहोड़ बंदी छोड़, निरंकार दुखदारी। जदों सतगुरु जी कलगीधर पातशाह जी ने औरंगजेब नूं जफरनामे नाल मारन तों बाद तारा आजम नूं मार के बहादुर शाह नूं तख्त ते बिठाया सी ना, उस समय बहादुर शाह नूं हुक्म दिता कि बंदीखाने विच्चों सारे कैदी रिहा कर दिते जाण। बहादुर शाह ने बचन मन के सारे कैदी रिहा कर दिते सन।
कत्तक होवै साध संग बिन सह सबे सोच। साध संगत जी कत्तक दे महीने द्वारा सतगुरु जी कथन करते हैं कि जदों इस मनुखा शरीर विच साध संग श्रेष्ठ महात्मा जना की संगत प्राप्त हो जाए तो सबे सारे ही सोच फिक्र चिंतावां बिन सह नाश हो जाते हैं, दुख कलेश रोग खत्म हो जाते हैं। सो ये साध संगत जी कत्तक दे महीने की सरल विचार। आओ आपां इस महीने दियां संपूर्णता वालियां पंक्तियां नूं गा करके पढ़ के सरवण करके फतेह बुलाइए जी। नानक कौ प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच, कत्तक होवै साध संग बिन सह सबे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।